निर्वाचन अधिकारी को भेटिले बीजेपी रो टीम गतकाली राती रे पिपिली रे मजिस्ट्रेट को उपरे होइतबा आक्रमण रे जड़ित अछंती पिपिल विधायक तांकु तुरंत गिरफ करा जाऊ गिरफ नहले मु जगन्नाथ को मंदिर आगरे बसी रहिबी कहिछंती बीजेपी रो एमपी पार्टी संबित पात्र विगत राति को मो कॉन्स्टिट्यूएंसी पुरी रो पिपिली विधानसभा क्षेत्र रे जहां घटी आपण माने जानी छ पिपिली रो डेलांग क्षेत्र रे जो फार्म हाउस टा अछि सेटिका विधायक प्रार्थी बीजेडी रो जे मंत्री मध्य थिले सेटी मध्य सेटी पैसा बटा होतिला पूरा मो कॉन्स्टिट्यूएंसी रे पूरा पुरी रो अन्य विधानसभा माध्यम सब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी पैसा जाउ खाली मजिस्ट्रेट सेठी गले रेड कले मजिस्ट्रेट गोड़े गोड़े नीचे विधायक प्रार्थी बीजेडी रो पिटी एहा टीवी माध्यम रे मजिस्ट्रेट स्वयं जवाब दे आउ वक्तव्य दे सुधा एपर्यंत से एमएलए प्रार्थी बीजेडी रो गिरफ्तार होना कहीं आईन ना कि राज्य आईन ना कि देखते मुझे गोटे भिक्तिम आज मुझे पूरी लड़ुची मुझे बहुत कष्ट आज्ञा अच्छी पैसा बटा हो एम्बुलेंस भितर पैसा आने की बाकी चंती बीजेडी कर्मी मानने नेता मैंने लोक बाड़े बाड़े पिटुंट क्या गोली करके मारदे मंगुड़ी जेना गोली कर मारदे आमर मजिस्ट्रेट को पिटिले तो बीजेडी बीजेपी युद्ध नुह ये तो पूरा आईन सांगे सीधा साधी लड़िले मुझे अपील करी मुझे आसिक सीओ को अपील करोड़ धड़ी कर आपण आज्ञा आईन एटे श्रृंखला भाव को आणतु सी भी शुणे नहीं मुझ जगन्नाथ दरबार को जी आज्ञा मुझ राति सारा से बसवि जदि सीईओ शुणिले आदि आज निष्पत्ति निदी सीए बीजेडी रो कैंडिडेट आज गिरफ्तार हेले आज गोटे साधारण बाड़क मो पा पैसा ना संपत्ति ना धन ना कि ना मो पाखे पिला लोकों भलपाइवाटा अच्छी मुझे भलपाइवा नहीं कि जगन्नाथ सब बड़ अफिस् हूँ जगन्नाथ अफिस् आज्ञा ता बड़ कि ना मुझे जाकि बस पड़ी सीए शुणे ये जदि शुणे तो जगन्नाथ शुणे आप गिरफ्तार करेंगे लोक लोक मजिस्ट्रेट को बाड़े मजिस्ट्रेट वक्तव्य आपंट सी आउ कौट देना सबुआ बाजिला टीवी एवं गिरफ्तार हवा कथा मुझे हाथ जोड़ी कहूँ केमती भी करके आपड़ चतुर्थ स्तंभ आज लोकतंत्र ये पैसा बांटिक मर्डर करते डेमोक्रेसी हवा पे दिखा मध्य भुवनेश्वर मध्य निर्वाचन मंडल विजु जनता दल प्रार्थी अनंत नारायण जेना निज घर बासस्थान अंचल यूनिट 8 अंचल जगन्नाथ प्रधान को गाड़ी उपर संध्या सतटा बेले जो भली भाव में बोमामाड़ करागला काच बाड़ी भांगी दिगला अल्प के जगन्नाथ प्रधान बंचिले आम तत्णात से विषय थाना एवं गणमाध्यम एवं सीओ ऑफिस रे राति रे आमर समस्त शीर्ष नेतृत्व आसी जनईले तापर पर एक भल प्रायोजित नाटक अनुष्ठित होला जो थे वीडियो मध्य गणमाध्यम रे बुलूची सोशल मीडिया रे आपण देखुथिबे जो थे निज काच निजे भांगी निज गाड़ी को निजे बम पके मेयर महोदय पूर्वतन मेयर भारी खुशी अच्छा तेणु मोर अपील आपण माने समस्ते खुशी तो ये प्रायोजित हिंसाकांड परी निज को निजर जो पतियार देखा चाहूंट जो संवेदनता संवेदनता को लोकों पाखे भोटर भाई बहन पाखे पकड़ चाहूं आउ बोका कहीं नहांती ये प्रायोजित हिंसा पूर्वर मध्य प्रायोजित होता विजु जनता दल कार्यालय निज पटु निजे पकई निजे बम पक कार्यालय थाना घेराउ करवा ये राजधानीवासी देखी तेणु ये दीटाक प्रायोजित जोबले गोटे बेले जोबले आप देख एवं जगन्नाथ प्रधान से यूनिट 8 अंचल जोटा मेयर निज वार्ड से पदयात्रा कला बेले प्रथम टेका पथर माड़ हला राली को रोका गला से ही जगह पुणी जो यूनिट 8 रो ऑफिस खोला जाइतला निर्वाचनी कार्यालय से जीवंत तो बोमा उद्धार करागला से ही जगह जगन्नाथ प्रधान गाड़ी को आक्रमण करागला मु पचारिया पई चाहूची यूनिट 8 अंचल जोटा तीन थर मेयर से जीति सी कौन ताको चंबल करने चाहते कि बिहार करने चाहते खंडा बर्षा टेका पथर गुड़ी बम देख भोटर को भयभीत कर
ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମେୟର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିବେ, କିଏ ଜାଣିଛ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି କି ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଗୋଟେ ସଭାରେ କହିଲେ କି ବିଜେପିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବଢ଼ିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପତ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା ସେ କଥା ଯଦି ପତ୍ରକାର ରୂପରେ ଆପଣ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଇଏ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଯାଉଛି, ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶାସନକଳ ଦାୟୀ, ଆମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ହିଂସା ଜାରି ଅଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।